try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people who deceive me. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो सबको मेरी तरफ से जिसने ईद मिलाद नबी मुबारक हो। तो जैसे सबको पता है, 12 रबीउल की रात थी और सबके कहने पे मैंने ग्रीन ड्रेस पहन ली। तो ज्यादा कमेंट्स ग्रीन ड्रेस के थे, तो मैंने कहा चलिए ग्रीन ड्रेस पहन लेती हूँ। ब्लैक ड्रेस तो पहनने जैसी नहीं थी, तो बस कुछ मनाजिर आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। बाहर के थे, जब बाहर गए थे बाहर के थे, तो बस ये है कि काफी ज्यादा लोग जानते हैं, देखे लोग जो है बाहर में जानते हैं तो जानते रहे, क्योंकि हम अपनी जिंदगी के एंजॉय नहीं करेंगे। छोटा सा क्या नाम हो जाता है उसके बाद बताना, बस शर्मा शर्मी में अपनी लाइफ छोड़ देते हैं। यार कोई पहचान लेगा तो ये नहीं करना, कोई पहचान लेगा तो ये नहीं खाना, मैं ऐसे नहीं करती। लेकिन बाहर बहुत अच्छी रौनक लगी हुई है तकरीबन अभी 5, तो बाहर इतनी ज्यादा रौनक लगी हुई है, इतनी ज्यादा पूछो मत। अभी 5 बज रहे हैं लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा। लेकिन हम जो के है ना, बस हमें ना 1 घंटा लग गया एक गली पार करने में। रश इतनी ज्यादा, इतनी रश है जिसकी कोई हद नहीं है। अब हम गाड़ी में गए थे तो लोग बस इतनी बातें सुना रहे थे कि गाड़ी लेके आ जाते हैं, ये करते हैं, गाड़ियों में नहीं आना चाहिए, बड़ी गाड़ियों में आते। अब गाड़ी है, गाड़ी में ना जाए तो कैसे जाए, ठीक है ना? बाइक पे तो अब जाहिर सी बात है, गाड़ी है तो बाइक पे कौन जाएगा, 3 दिन बच्चे। और दूसरी बात, ये पैदल तो चलने जैसा है नहीं। जिस तरह पैदल चलते हुए जाओ ना, तो इतने ज्यादा बदतमीज निहायत है हमारे यहाँ के जो मर्द हजरात है ना, बहुत ही ज्यादा बेहया बेहद किस्म के हैं। हाथ मारते हुए जा रहे, ऊपर से बातें सुनाओ, सुन रहे कुछ कहते भी नहीं, हाथ मारते हुए जा रहे, बहुत ज्यादा बेहुरमती वाकई में, जलसे जुलूस के नाम पे। तो मैं तो ये कहूंगी जिनके पास गाड़ी है उनको तो जाना चाहिए, बाकी पैदल वाली औरतों को नहीं जाना चाहिए, बहुत ज्यादा बेहुरमती होती है। एक तो बस पैदल पैदल आ रहे थे, ऊपर से भाते भी गाड़ियों वालों को सुना रहे थे, तो आज तो काफी ज्यादा बहसबाजी हो गई, क्योंकि हर वक्त बंदे से सुना नहीं जाता, थोड़ा बहुत सुनाने को दिल करता है और मेरा तो बहुत ही करता है, ठीक है ना, सुनाने को दिल। बस ऐसे उनको फौरन ही लड़ पड़ती, फौरन ही, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे ना कि यार ये तो पढ़े लिखे लोगों का अंदाज नहीं होता, बाहर में जा पढ़े लिखे लोगों का अंदाज है ना, फिर बस मैं नहीं देखती हूँ।
हालांकि स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड भी मुझे कहा करते थे कि थोड़ा ले जाना, धीमा रखा करो, ये वो। भाई नहीं रखा जाता, साफ सी बात है, ठीक है ना। ऐसी मशहूर ही नहीं चाहिए, भाड़ में जाए, लोग नहीं देखना चाहते तो नहीं देखे, लेकिन चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा सब्सक्राइबर हो, चाहे मेरा फॉलोअर्स हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, कोई मुझसे बस ज्यादा अवर कर जाता है ना, फिर मैं भी एक की दो तीन कर लेती हूँ, बंदा लिहाज कर करके। फिर पता है लोग सामने से क्या कहते हैं, यार सबरी तुम तो कहती हो तुम बुरा नहीं मानती हो। अक्सर मैं लोगों को यही कहती हूँ, मुझे कोई कुछ कह भी लेते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि नहीं यार मैं बुरा नहीं मानती किसी की बात को, लेकिन जब तुम लोग ना हद से ज्यादा ऊपर चले जाओगे ना, तो फिर बुरा मानने को दिल करता है, दिल करता है, मुंह तोड़ने को भी दिल करता है। तो इस तरह आज भी काफी बंदों से मेरा झगड़ा हुआ, जैसे गाड़ी है ना, बस इनके पैसों की हो। मैंने भी भाई ठीक ठाक की सुनाई, गाड़ी है तो गाड़ी में आएंगे, जाहिर सी बात है पैदल तो नहीं आएंगे। अरे गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। अब जलसे और जुलूस में इतनी ज्यादा रश होती है ना, ये गाड़ी ना आगे जाने जैसी होती है ना पीछे जाने। आगे तो चलो फिर भी निकल जाती, अब लोग कह रहे थे भाई पीछे लो पीछे लो। अब भाई पीछे तुम लोग रास्ता करके दो तो हमने तो काफी ज्यादा रश है। और मगर ये बात है कि बहुत ज्यादा ना बदतमीजी भी होती है, और यहाँ के जो लोग है ना, जो कमेंट में शिरफा बने फिरते, यही लोग ना औरतों को बस ना हाथ फेरी करते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता, काफी ज्यादा बुरा लगता है। मैं तो एक लम्हे को भी पैदल नहीं चली हूँ भाई। हाँ तो थोड़े से हॉट हैं, थोड़े से हॉट कपड़े पहनते हैं, बोल्ड ओल्ड थोड़ी सी ना हॉट ड्रेसिंग करते हैं, उसका ये मतलब थोड़ी कि किसी का अभी हार्ट टच हो तो मजा आ जाए। मुझे तो बिल्कुल भी ना, मुझे तो गुस्सा करता है, हाथ के ना इतने टुकड़े करूँ ना बस पता ही नहीं चले। तो बस 2 सेकंड के लिए क्या उतरी थी कि लोग जान बूझ के ना बस कर रहे थे औरतों के साथ इस तरह कर रहे थे, फिर अच्छा नहीं लगा। तो हम तो अपनी गाड़ी में ही रहे, गाड़ी में ही रहे। तो हाँ थोड़ी बहुत बच्चों को चीजें वगैरह मिली, तो चीज वगैरह खाया पिया, और फिर हम लोग अभी आए तकरीबन, तो अभी घर वापस आ चुके हैं। तो थोड़ी बहुत जैसी वीडियो बनी है, मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई है। तो ये तो था रात का जलसा, तो इंशाल्लाह ताला कल दिन के जलसे में भी जाएंगे, बहुत सारे लोग जान पहचान वाले मिलते हैं यहाँ तक कि आज भी बच्चे बच्चे मुझे जानते। बच्चे और बच्चे कितने अच्छे होते हैं ना वहाँ के बच्चे। मेरी सुहाना से बड़ी बच्ची होगी दो, वो मेरे पास आई कि आप टिकटॉक में आती हो ना, मैंने कहा हाँ टिकटॉक में आती हूँ। और औरतें औरतें मुझे पता है क्या कहती थी, अब ना हमें ना हर जबान समझ में आती है, कच्ची सिंधी उर्दू बलोची और पिश्तो, जो भी सारी जबान हमें समझ आती है। तो अब लगी भी थी मुझे बिंदी, लोग समझ रहे थे मुझे हिंदू, तो बस ना कुछ कच्ची जो कच्ची लोग ना, निहायत ही घटिया बदतमीज जंगली लोग है, ठीक है ना, जंगली गो में कच्चियों की कौम। तो बस ना कहते भी जा रही थी कि देखो तो सही, महारानी भर के गाड़ी में आई है, इसको गाड़ी में नहीं आने जा रहे। मैंने कहा बात सुनो, मैंने भी उसका हाथ पकड़ लिया, बात सुनो तुम्हारे बाप की गाड़ी है तो तुम लोग की तरह क्या पैदल आए, लोगों से हाथ मस्तियां करवाए। तो यार कैसी जेलिस कौम है, बहुत ही ज्यादा जेलिस कौम है, किसी भी हालत में खुश नहीं है, किसी भी हालत में खुश नहीं है। तुम लोग बाप का पैसा, तुम्हारे बाप की गाड़ी गाड़ी लेके निकले, और मेरे तो आज इतने बंदों को भी जलील किया, यकीन मान इतना दिल खुश हो रहा है, अब इतनी सुकून की नींद आएगी ना, जब तक ना मैं अपना बदला पूरा ना करूँ ना, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, मतलब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। और मेरी तो आदत है, मुझे पक्का यकीन है, नाजायज तो मैं किसी के साथ करती नहीं हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ, और मेरे साथ नाजायज में होने भी नहीं देती हूँ, चाहे क्यों ना मेरी कोई भी रिश्तेदार हो। मैं बदतमीज जाहिलाना कौम है, बहुत ही गंदी घटिया कौम है, 2 रुपए की चीज के लिए पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। हाँ भाई जाओ, मना नहीं है तुम लोगों को, चीज लो ये वो। कल को लोग मुझे कमेंट्स करेंगे आप तो जलूस में थी, हाँ तो जी आज मैं रात को भी थी और कल मैं देखती हूँ, हर साल आती रहूंगी, अल्लाह ने जिंदगी दी तो मुझे ढूंढ निकालना हो तो निकाल लेना। आती है कि मैं शियों के जुलूसों में भी जाती हूँ, सुनियों के जलसों में भी जाती हूँ, हम हर त्योहार मनाते हैं, हर दिन मनाते हैं। तो बस बात ये है, और मनाना भी चाहिए, पंचायत नहीं करनी चाहिए, देखो जिसको दिल करे वो अपनी मन मर्जी करे, ठीक है ना, क्योंकि वो अपना जवाबदारी को दे, वो खुद अपना जवाबदार है, तो अपना दिल करे जो कुछ भी करो। हमारा दिल करता करते हैं, मोरों में ब्लैक ड्रेस पहनते हैं तो लोग जीना हराम कर देते हैं, शिया हो शिया, अब बिंदी लगा लेते हैं तो लोग जीना हराम कर देते हैं, अब हिंदू हो हिंदू हो। एक तो मैं इतनी तंग आ चुकी हूँ अपने सैलून में भी कि लोग जानबूझ के सवाल करते हैं कि आप हिंदू हो, इनका अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मैंने कहा आपकी बार तो किसी ने मुझसे बिंदिया का पूछा ना, तो थप्पड़ रख के फिर बताऊंगी, थप्पड़ गाल पे रख के कलमा पढ़ के फिर बताऊंगी कि मैं हिंदू हूँ मुसलमान हूँ। नहीं करनी चाहिए यार इतनी वंचात, और इतनी होशियारी भी नहीं माननी चाहिए लोगों को। अब बंदों की गाड़ी है, ठीक है ना, अब गाड़ी है, हम गाड़ी को घर पे रखे और हम रक्षा करें, रक्षों में जाए, पैदल जाए, जहाँ पे लोग भले हाथ फेरते रहे, घूमे, हमारी बहन बेटियों को भी हाथ फेरे, हमें फेरे, तो वो अच्छा लगता है क्या। तो आज थी 12 रबीउल की रात, में अब लोग लेट हो चुका है, तो दिन का लोग भी लेट आएगा, तो देखना मत भूलिएगा। तो आज आप लोग के कहने में मैंने ग्रीन ड्रेस पहनी, कल इंशाल्लाह ताला कोई और पहनेंगे, और फिर से जल्द से जुलूस में जाएंगे और लोगों को जलाएंगे।
तो देखना मेरा पूरा ब्लॉग, अपना बहुत सा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, क्योंकि अब सख्त नींद आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ मालिया।